ये मेरे होते हुए और कौन से दूसरे महाराज आ रहे हैं? महाराज ये आपके लिए बोल रहे हैं। तो पहले नहीं बताया जाता, आंख के नीचे मुझे रख के आ गए पहले। ए, बैंगन टोपी तेरे को बुला रही है? अरे बैंगन टोपी को नहीं, मैं तो तुझे बुला रही हूँ। और एक बात सुन, इनको तो बताता क्यों नहीं मैं तेरी दादी हूँ? ये बढ़िया, अमीर आदमी की कोई दादी नहीं होती, अमीर आदमी सबका दादा होता है। वाह बिट्टू वाह, अरे महाराज क्या बन गया, अपनी दादी को भूल गया। पूछ सिद्धू जी से। सिद्धू जी अभी अभी इसकी तारीफ कर रही थी कि नहीं मैं? हाँ टल्ली हो गए महाराज। ये औरत इतने विश्वास के साथ बोल रही है आपकी दादी है, कहीं सचमुच ये आपकी दादी तो नहीं है? कोहनी मानूंगा तेरे मुंह पे। दादी मेरी कोई नहीं है मेरी, ये सचमुच की दादी नहीं है, ये मेरी दादी का रोल किया करती थी। रोल किया करती थी? जी हाँ रोल ही हुआ, क्योंकि शेक्सपियर कह गए हैं कि ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इसकी कठपुतलियां हैं। ओए शेक्सपियर नहीं, राजेश खन्ना कह गया। जिसने भी कहा हो बात तो सही कही ना, तुम बीच में उंगली क्यों कर रही हो? जैसे कि कालिदास कह गए हैं कि व्हाट इज इन द नेम, ये शेक्सपियर क्या? जब कह गया कि नाम में कोई फर्क नहीं पड़ता तो क्या फर्क पड़ता है? बकवास किए जा रही हो, तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? वाह पिट्टू वाह, हाथ में तलवार के आगे अपनी दादी को भूल गया? अरे भूल गया तू, इत्तू सा था तू। इत्तू सा था, एक दिन छोटा था ना जब सांप पकड़ना चाहता था तो मैंने इसको थप्पड़ मार के समझाया था। क्या? हाँ तुमने मुझे थप्पड़ मारा था? हाँ। सैनिको इसको फांसी दे दो। अरे नहीं नहीं, अरे तेरी जान को खतरा था, अगर मैं तुझे थप्पड़ नहीं मारती तो सांप तुझे काट जाता ना। मुझे थप्पड़ मारा तो सांप को थप्पड़ नहीं मार सकती थी कि महाराज को नहीं काटो? अरे उस वक्त तू महाराज नहीं हुआ करता था। अच्छा मैं महाराज नहीं हुआ करता था, सांप सांप हुआ करता था, झूठी कही की। फांसी दे दो, फांसी दे दो, चलो और इनको फांसी के साथ 100 कौड़े मारो, चलो। ब्रेव, 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 मेरी तरफ देखो। अरे बुढ़ापे में ठीक से 3 पकौड़े खाए नहीं जाते, 100 कौड़े कहाँ से खाऊंगी मैं? महाराज और तो और मुझे मुझे शुगर की बीमारी भी है। ठीक है इसे शुगर फ्री कौड़े मारो, चलो। नहीं, 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 नहीं। महाराज मैं औरत पे हाथ नहीं उठा सकता। हाथ नहीं उठा सकता, नीचे नीचे करके मार दो। और झूठ बोलते हो तुम, औरत पे हाथ नहीं उठाते? कल मछली तल के खा रही थी, वो औरत नहीं होती क्या? इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। दादी तुम आज से सेनापति हो, सेनापति तुम आज से दादी, चलो। महाराज मैं कैसे दादी बन सकता हूँ? ठीक है तो तुम बकरी बन जाओ, बकरी आज से सेनापति। महाराज लेकिन बकरी तो दूध देती है। तो फिर क्या हुआ, आज से तुम देना शुरू कर दो। महाराज आप समझने की कोशिश कीजिए, सेनापति को तो युद्ध पे लड़ने जाना होता है, ये बकरी तलवार भी नहीं पकड़ पाएगी। वो नहीं पकड़ पाएगी लेकिन आप तो दूध देने को तैयार है। नहीं नहीं नहीं। महाराज आप समझ नहीं रहे हो, ये जो बेड़ बकरियां होती है ना, हाँ। जो घास फूस खाती है सिर्फ हाँ। वही दूध दे सकती है जो घास फूस खाते हैं। हाँ ये जो हमारे टोपी वाले सैनिक हैं, इनको अगर हम घास फूस खिलाए तो क्या हम दूध का कारोबार शुरू कर सकते हैं? नहीं महाराज ये दूध नहीं दे सकते। ठीक है सैनिको इसको फांसी दे दो। इसको फांसी दे दो और जिसको कल फांसी दी थी उसको लेके आओ, उसको हम सेनापति बनाएंगे। महाराज उसे कैसे वापस ला सकते हैं, आप ही ने बोला था ये हमारा खास आदमी है, इसे चाय के साथ फांसी दे दो, तो फांसी दे दी। हाँ तो ठीक है दे दी, लेकिन उसको लेकर तो आओ। जिसको फांसी दे दी उसको कैसे वापस ला सकते हैं? फांसी क्या होती है? वो गले में फंदा लटकाते हैं, हैंग टिल डेथ। क्या फांसी वो होती है? हाँ तो वो क्या होती है जो ऐसे कप में डुबो के करते हैं? अरे महाराज उसे बिस्कुट बोलते हैं। हाँ वही मैंने वो तेरे को कहा, तुमने फांसी दे दी। फिर भी जो भी दे दिया उसको बुला को यहाँ पे ले गया। मैं क्या कह रही थी, तू बिल्कुल सही कह रहा था, ये तो पागल है। हाँ ये मेरा कब पागल था? सैनिको इसे अंदर ले जाओ, इसके हाथ बांध के इससे कपड़े धुलवाओ, चलो। अरे जाओ माफ कर दो, अंदर ले जाओ इसको। अरे बिट्टू, अरे बिट्टू,
वो तो चले गए। अब दरबार की कार्यवाही का वक्त हो चुका है, फरियादी को बुलाओ। हाँ बुलाइए बुलाइए बुलाइए। बैठिए, बैठ जाए, पिछड़ जाओ पहले। फरियादी हाजिर हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज, ये आम आदमी अपनी फरियाद लेकर आए हैं। ये आम आदमी है? हाँ, तो इनकी टोपी और मफलर कहाँ है? महाराज, हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमारे गांव सूरजपुर में बिजली नहीं आता है। के? सूरजपुर क्या होता है? अरे सूरजपुर आपकी रियासत में आता है। रियासत में आता है? यहाँ तो नहीं आता। यहाँ क्या? नहीं नहीं, यहाँ कैसे आएगा? ठीक है, यहाँ आने भी मत देना, अगर आएगा तो उसको बताना मत मैं अंदर हूँ। ठीक है, क्या कह रहे हैं महाराज? अरे हम तो इस चक्कर में आए थे कि आपके द्वार से कुछ लेकर जाएंगे। ठीक है, इसको फांसी दे दो। महाराज, हम गांव ही बदल लूंगा, वैसे भी सूरजपुर में कहाँ रखा है। कमाल है, आजकल सब हेल्थ कॉन्शियस हो गए, सबको फांसी दे रहे, कोई ले नहीं रहा। तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? महाराज महाराज मारे पानी नहीं आ रहा। महाराज पानी नहीं आ रहा? हाँ कोई बात नहीं, यहाँ से पी लो, इसको पानी पिलाओ। महाराज इतने से पानी से क्या होगा, आप जानते हैं आजकल पानी का कितना खर्चा हो रहा है, कुछ उपाय कीजिए महाराज। हमें क्या पता, हम वाटर सप्लाई बोर्ड में, मैं थप्पड़ मारूंगा तुम्हारे। पानी नहीं आ रहा। तुम्हें डांस आता है? जी महाराज। थोड़ा करके दिखाइए। पानी नहीं आता और डांस आता है, झूठे कहेंगे? अगर डांस आता है तो पानी क्यों नहीं आता? बकवास बंद करो, तुम बताओ तुम्हारी महाराज क्या? महाराज हमारे गांव में अकाल पड़ गया। महाराज जब एक आदमी सारे गांव का खाना खाएगा अकाल तो पड़ेगा ही। नहीं नहीं महाराज, मैंने 15 दिनों से पेट भर कर खाना नहीं खाया है। तो फिर अकाल कैसे पड़ गया? ए सुनो, तुम्हारे गांव में बिजली नहीं आ रही ना? हाँ महाराज। तुम्हारा ट्रांसफार्मर इसने तो नहीं खा लिया? नहीं महाराज, मैं इतना ज्यादा भी नहीं खाता हूँ, और मेरी माँ ने कहा कि मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। तुम नहीं कमजोर हुए, तुम्हारी माँ की नजर कमजोर हो गई है। महाराज कुछ तो दया कर दे, कोई कहीं नौकरी दिलवा दे। नौकरी दिलवा दे? सेनापति? हाँ हमारी सेना में आपको मिला के और कितने हाथी हैं? चार। चार थे? अच्छा, दो पागल हो गए। हाँ? एक भाग गया। हाँ? चौथा मेरे घर पे था। हाँ? एक दिन आपकी भाभी ने खाना नहीं बनाया तो ओह हाथी खा गए तुम। हाँ? एक काम करो, एक सूंड मंगवाओ, इसमें मुंह पे लगवा दो, और अपनी माँ से कहो तुम्हारी नौकरी का इंतजाम हो गया। चलो शाबाश जाओ। महाराज की जय हो। हाँ ठीक है, रुको रुको रुको, महाराज महाराज के दरबार से कोई खाली पीठ नहीं जा सकता। उधर मुंह करो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। अबे बकवास बंद कर, जय हो तो सलमान खान की है। नहीं नहीं सब, आप महाराज आप भी बन गए हो, अब आपकी भी जय होगी। अच्छा? वैसे महाराज एक बात बोलूं? हाँ? अब आप इतने बड़े महाराज बन गए, आप तो मेरी तनख्वाह दे दो। क्या? एक काम करो, इसको तनख्वाह दे दो, और यहाँ से थोड़ी टाइट बांधना तनख्वाह। अच्छा। महाराज वो तनख्वाह नहीं होती, वो फांसी होती है। फांसी? फांसी होती है? फांसी। तो तनख्वाह क्या होती है? वो जो है नोट गिनते हैं, वो नोट गिन के देते हैं, वो तनख्वाह होती है। वो तनख्वाह होती है? हाँ। तो गिन के देते हैं? हाँ। वो तो नुकसान होता है। बोल रहे महाराज, आप अपने वो दिन याद करो जब आपके पास सिवाय बाबा जी के ठुल्लू के कुछ नहीं होता था। आप कुछ भी नहीं थे तब, वो दिन याद करो। हम कुछ भी नहीं थे। देखो इसको डबल फांसी दो। ठीक है। डबल फांसी कैसे दे? एक एक गले में बांधो। हाँ? एक पैर में। अच्छा। ऐसे खींचो इसको, जितना लंबा हो सकता है खींच के, इसके टुकड़े काट के इसका रबड़ बैंड बनाओ। रबड़ बैंड? हाँ, हम लोग अपनी अशरफी की थैलियों में लगाएंगे। अरे मेरी महाराज रे, मुझे फांसी मत दो महाराज, मैं मर जाऊंगा। ठीक है, एक काम करो, इसको फांसी रहने दो। थैंक यू। हाथी के पैर के नीचे दे दो, हाथी के पैर के। महाराज इसका चेहरा तो देखिए, लगता है पहले ही हाथी के पैर के नीचे आ गया था। अब फिर से अगर हाथी के पैर के नीचे दे दूं, हाथी को क्या मजा आएगा? महाराज मेरी जान मत निकालिए महाराज। ठीक है, इसकी जान रहने दो। थैंक यू। इसकी जेब से पैसे निकाल लो।